Hello friends, I am Dr. Amit Srivastav. I am head of the department neurology at Yathath Hospital. Today I am going to talk about a very important topic, the brain stroke. Brain stroke, जिसे आम भाषा में paralysis, falish या लकवा भी कहते हैं. Brain strokes are the most common cause for disability world over and the second most common cause of mortality. यानी जो अपंगता होती है उसका ये मेन कारण है और मौतें जो होती हैं इससे दुनिया में हार्ट अटैक के बाद सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है. ब्रेन स्ट्रोक क्या है? अचानक से किसी वजह से अगर ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, वो दो वजह से होती है, या तो ब्रेन में जो पाइप्स हैं उसमें कोई क्लॉट जमा हो जाए, या अगर ब्रेन की जो पाइप्स हैं वो अचानक से फट जाए. इन दोनों कारणों से ब्रेन के किसी एक हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक जाती है और उसकी वजह से आने वाली जो अपंगता शरीर में आती है उसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं. ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है ब्रेन स्ट्रोक्स को इमीडिएटली पहचानना और जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचना, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के इलाज का एक गोल्डन पीरियड है, यानी एक स्वर्णिम अवधि है, जिस वक्त अगर यदि मरीज पहुंच जाए तो बहुत सारी स्ट्रोक की सिम्टम्स को रिवर्स किया जा सकता है. वो एक जो आईवी थ्रोम्बोलिसिस, जो हम इंजेक्शन एक होता है जिसको हम क्लॉट बस्टर इंजेक्शन बोलते हैं, वो उसका जो टाइम पीरियड है वो 4.5 घंटे है. और एक और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है स्ट्रोक के लिए, जिसमें हम तार के थ्रू ब्रेन के पाइप्स में जाकर क्लॉट निकाल देते हैं, उसकी अवधि 16 से 24 घंटे भी है. तो यदि इस समय हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हम स्ट्रोक के सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं. ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसे कैसे पहचानें? इसके लिए पूरे विश्व में एक निमोनिक बहुत कॉमनली चलती है, जिसे हम कहते हैं बी फास्ट. बी यानी बैलेंस, यदि किसी व्यक्ति को बैलेंस की अचानक से दिक्कत हो जाए. ई यानी आई, यानी किसी को यदि देखने में अचानक से कोई दिक्कत हो जाए या डबल विजन हो जाए. एफ यानी फेस, चेहरे का टेढ़ापन हो जाए. ए यानी आर्म्स यानी आर्म ड्रिफ्ट, यानी अचानक से हाथ में कमजोरी आ जाए या पैरों में कमजोरी आ जाए. एस यानी स्पीच, बोलने में कोई तकलीफ, गफलत या स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाए. और टी यानी टाइम, यदि ये सब सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति को हो तो बिना समय खोए हमें जल्दी से जल्दी एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, यानी ऐसी जगह जहाँ स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो, वहाँ तुरंत से तुरंत पहुँचना चाहिए. ब्रेन स्ट्रोक लार्जली इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज, यानी कुछ चीज़ों का यदि हम ध्यान रखें तो हमें शायद स्ट्रोक हो ही ना. क्या चीज़ें हैं? यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल रखिए, यदि आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल न लें, यदि आपको कोई हार्ट डिजीज़ है तो रेगुलर चेक कराएं, क्योंकि हार्ट में वेल्व की तकलीफ या हार्ट में गति की दिक्कत जिसे AF बोलते हैं उसकी वजह से स्ट्रोक होने की टेंडेंसी होती है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल से स्ट्रोक्स होती हैं. ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक. न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखें, जिसमें हाई फैट डाइट यदि लें तो उससे स्ट्रोक्स होने की टेंडेंसी होती है. और अमूमन यदि आप आधे घंटे से 45 मिनट तक डेली वॉक करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आप स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकते हैं. हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुमन गोयल. आई एम डायरेक्टर ऑफ न्यूरो एंडोवास्कुलर थेरेपी एट यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा. सो टुडे एज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूट स्ट्रोक, अभी तक आपने देखा डॉक्टर अमित हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज एक्यूट स्ट्रोक एंड अबाउट द सिम्टम्स एंड ऑल. सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट फर्दर हाउ वी कैन हेल्प द पेशेंट इन एक्यूट स्ट्रोक. जब हमारे पास पेशेंट एक्यूट स्ट्रोक में आता है, मतलब कि उस स्थिति में पहुंचा है कि जब ब्रेन की खून की नस ब्लॉक हो चुकी है, तो दिस इज़ अर एंजियोग्राफी सूट, जहां पे हम इन पेशेंट्स को एक इमीडिएट उपचार दे सकते हैं ताकि हम खून की नस को खोल पाएँ और उस ब्रेन को जो कि ऑक्सीजन या खून का प्रवाह ना होने की वजह से जिस ब्रेन में नुकसान हो रहा है, वी कैन एक्चुअली सैल्वेज दैट ब्रेन. सो टुडे विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, 6 घंटे के अंदर यदि हमारे पास पेशेंट आ जाता है और कुछ स्पेशल केसेस में 24 घंटे के अंदर यदि हमारे पास पेशेंट आ जाता है, तो हमें उस एंजियोग्राफी सूट में हम उसकी ब्रेन की एंजियोग्राफी करके, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है, यदि हम देखें तो ये बाईं तरफ की ब्रेन की खून की नसें हैं,
और उसमें हम यहाँ पे एंजियोग्राफी करके ब्रेन की नस को डायरेक्टली अपने सामने विजुलाइज कर सकते हैं, जिससे ब्रेन एंजियोग्राम वन ऑफ द पेशेंट्स विच हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, तो उस तरह के पेशेंट्स में हमें पिन पॉइंट कर पाते हैं कि कहाँ पर नस ब्लॉक है. बेस्ड ऑन दैट देन वी कैन टेक अ डिवाइसेज विच ए स्पेशल काइंड ऑफ स्टेंट्स या एस्पिरेशन डिवाइसेज, हम उन्हें अंदर ले जाके डायरेक्टली क्लॉट को निकाल सकते हैं, जिसके कारण से ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है वो रिस्टोर हो जाता है एंड द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक कैन ग्रेटली बी एलिवेटेड. उन सिम्टम्स को हटा सकते हैं, ब्रेन को बचा सकते हैं और एक परमानेंट डिसेबिलिटी या डिस्क डैमेज होने से ब्रेन को रोका जा सकता है. सो फ्रेंड्स, एक्यूट स्ट्रोक एज वी ऑल हैव अंडरस्टूड इज एन न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी. जब भी हमें एक्यूट स्ट्रोक के सिम्टम महसूस हों या हमारे आसपास हमें लगे कि किसी को एक्यूट स्ट्रोक हो सकता है, तो उस समय बिना समय गवाए, बिना किसी विलंब के इमीडिएटली एक स्ट्रोक रेडी सेंटर में पहुंचे, ताकि हम समय से मरीज को उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए उपचार कर पाएं. थैंक यू.